हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, टॉपिक है क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ या नहीं। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर पता करेंगे बेसिकली आप फ्यूचर में एक हो पाएंगे या नहीं, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है या नहीं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर कोई चैलेंज यहाँ पर है आप दोनों के बीच में जो है वो क्या है, मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है आप सभी के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और अभी भी कुछ लोग बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, मेरे नाम से नंबर शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अलर्ट रहें, मेरा नंबर नहीं है, कांटेक्ट मत करना, मुझे समझकर तो बिल्कुल भी मत करना और करना ही मत, क्योंकि वो लोग फ्रॉड हैं। ठीक है, उनको कांटेक्ट मत करना, अपने पैसे अगर आपको ख़राब नहीं कराने हैं तो। ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट मत करना। और दूसरी बात है कि जितने भी लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कह रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ गाइस, मेरा मन तो होता है कि मैं करूँ आप लोगों के लिए रीडिंग, लेकिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। यहाँ पर YouTube पर जो काम हो रहा है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं, मेरा खुद का पर्सनल जॉब और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी मैं भी कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी कर पाऊँ। तो इसीलिए अभी जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती अपने काम से, तो तब तक तो शायद नहीं हो सकता। और तब तक आप इतने यहीं पर ही जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है या जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप इसी से समझ लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ अपनी खुद की लाइफ में भी, और बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, तो अभी तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दूँ। चलिए रीडिंग पर आते हैं। ये ना रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। देख लेते हैं आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है या नहीं है। पॉजिटिव रहिए गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग लेकर आइए अपने अंदर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नंबर थ्री कार्ड सबसे पहले आया है। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस, फोर ऑफ सोर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, थ्री एंड फोर नंबर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन नंबर सिक्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, फायर एयर अर्थ एंड वाटर, सारे एलिमेंट आ गए हैं यहाँ पे, चारों एलिमेंट्स आ गए हैं, ज़ोडियक साइन तो सारे ही आ गए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट, मून, कैंसर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली एक मैरिज कार्ड यहाँ आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस, टावर कार्ड, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइज, ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ ना, आपके करंट सिचुएशन के बेस पर हो रहा है। ठीक है, अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी आप एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हो पाएंगे तो क्यों हो पाएंगे, अभी एक नहीं हो पाओगे तो क्यों नहीं हो पाओगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी। पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस। आप देख रहे हैं व्हाट ऑन द डेक से कितने अच्छे कार्ड्स हैं, इनको लेते हैं। गाइस, मैं बता देती हूँ आपको,
यूनियन के चांसेस, आप दोनों का फ्यूचर एक साथ दिख तो रहा है लेकिन बहुत जल्दी नहीं दिख रहा, आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर ना 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि यस आपका ना यूनियन या फिर कह लीजिए रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, यानी कि आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है, एक नई बिगिनिंग होनी है। लेकिन अभी जिस फेज में आप राइट नाउ हो ना, दोनों के दोनों, वहाँ पर अभी स्ट्रगल है, डिसरप्शन है, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी विक्ट्री के आगे, आपकी सक्सेस के आगे अड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, ये टावर कार्ड यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। और ना चाहकर भी अभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आप चाहते नहीं हो, बहुत कोशिश भी कर रहे हो आप हील होने की, लेकिन आपको ना रिजल्ट जैसा आप चाह रहे हो वैसा मिल नहीं रहा है, टाइम लग रहा है। प्रॉब्लम ये है, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को टोटली सरेंडर किया हुआ है। ये पर्सन इस कनेक्शन में कोई एफर्ट्स लगाने के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं मुझे। इवन जो भी चीज़ें इनके दिल में हैं आपको लेकर, वो भी ये छुपा रहे हैं। हो सकता है ये अपनी मदर की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर इनकी खुद की पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, और जो कि बहुत ही मेजर लेवल पर हैं, ठीक है। इस वजह से भी ये पर्सन अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, आप तक तो कुछ भी पहुंचाने देना चाहते नहीं हैं ये, क्योंकि ये अभी इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है। अगर एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कनेक्शन से गिव अप कर रहे हैं। गिव अप वाला तो मुझे सिचुएशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि 4-5 कार्ड्स यहाँ बहुत अच्छे आ गए हैं। मुझे लगता है कुछ के केस में ये पर्सन अब्रॉड गए हुए हैं और वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह या बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हायर डिग्री अचीव करने के लिए गए हुए हैं, और अभी इनका या तो गए हुए हैं या फिर जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और इस टाइम इनका पूरा माइंड ना उसी पर्पस पे लगा हुआ है, इसीलिए इसने ये कनेक्शन सरेंडर कर दिया है। कभी कभी इसको बिल्कुल भी मन नहीं करता कि थोड़ा भी स्टैंड लें इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि अभी इसके लिए मेन जो चीज़ें हैं ना वो इसका वर्क दिख रहा है। ये आपको लेकर ना, लेकिन ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसके माइंड में, इस चीज़ से ये भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई से नहीं भाग सकते, बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दिल करता है कि आपको कांटेक्ट कर ले, आपसे बात करे, लेकिन ये अपने आप को मना करते हैं कि नहीं करना, नहीं करना, इस तरीके से। लेकिन जब देखिएगा, इस सिचुएशन तो यही है, आपकी लाइफ में आया हुआ है टावर मोमेंट, और सिर्फ आप ही की नहीं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी आया हुआ है, अगर हम इस कनेक्शन के रिगार्डिंग पूछें तो, ठीक है। टावर मोमेंट आप लीड कर रहे हैं राइट नाउ, और इसके रहते अभी कोई यूनियन पॉसिबल नहीं है। जब तक ये चीज़ नहीं हट जाती यहाँ से, तब तक आपका यूनियन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इसे हटाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फेवर में आ जाएगी, और फिर चांसेस भी हो जाएंगे कि आपका यूनियन हो सकता है। फिलहाल डिवाइन आप दोनों को एक ही जैसा देख रहे हैं, आप दोनों ही एफर्ट्स कर रहे हो, आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी गाइस, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपका यूनियन, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कार्ड भी यही बता रहा है कि इस पर्सन को बनानी तो फैमिली ही है आपके साथ, शादी करनी है, घर बनाना है, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पर, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और यहाँ से दी हेरोफेंट कार्ड तो मैरिज कार्ड ही आ गया है, तो आप दोनों का फ्यूचर तो दिख रहा है साथ में, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। कहने का मतलब ये है, इतना ईजी नहीं है कि आपने बस बोला यूनियन और रिकन्सिलिएशन और फ्यूचर साथ में होगा या नहीं, और बस, मतलब कोई जादू की छड़ी काम नहीं आने वाली यहाँ पर। आपको एफर्ट्स करके ये टावर मोमेंट अपना हटाना पड़ेगा यहाँ से, अपनी लाइफ से, अगर ये यूनियन चाहते हो, ये मैरिज आप चाहते हो तो इस पर्सन के साथ। फिलहाल तो आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी और साइन नंबर्स पैटर्न जो भी आप भेज सकते हो, आप यूनिवर्स के थ्रू बात कर रहे हो, टेलीपैथिकली बात कर रहे हो इन 5D वे, और आप दोनों एक दूसरे से अभी कनेक्टेड दिख रहे हो। दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन अपने दिल से पूछ कर देखिए, आपका दिल अभी रेडी नहीं है, आपकी सोल अभी रेडी नहीं है, आपकी सोल, आपका दिल, आपका दिमाग आपसे कहता है कि आपको कुछ करना है, कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है, तभी इस यहाँ पर बिगिनिंग होगी। आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना पाओगे, आप इन चीज़ों को स्किप भी नहीं कर पाओगे, आपको इनको देखना ही पड़ेगा, इनके साथ डील करनी ही पड़ेगी। अंदर से आपका दिल यही बोलता है, आई नीड मोर टाइम, आई नीड लिटल टाइम, इस तरीके से।
अगर आप नहीं इस बात पर विश्वास कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर अकेले में बैठकर आंखें बंद कर सोचो इस बारे में, क्या आप यूनियन के लिए रेडी हैं? और जो आपका दिल कह रहा है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है? आपको भी टाइम चाहिए, आपके पार्टनर को भी टाइम चाहिए, और डिवाइन तो चाहते हैं कि पहले ये टावर ख़त्म हो जाए यहाँ से, देन आपका यूनियन हो सकता है, देन आपका फ्यूचर साथ हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो स्टार्ट कर ही देंगे अगर ये टावर कार्ड हटता है तो, यहाँ से ये कांटेक्ट कर लेंगे आपको, आपके साथ एक फ्रेंडशिप तो एटलीस्ट स्टार्ट कर लेंगे, शादी तक भी पहुँचेगा ये रिश्ता, क्योंकि दो दो मैरिज कार्ड हैं यहाँ पर, दो दो मैरिज कार्ड। जो भी डिसेप्शन है वो हटेगा, ये टावर हटती बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, चीज़ें फेवर में आ जाएगी, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है गाइस। ट्राई करते रहो अपने लाइफ में ना, अपने लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो, कभी भी आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है। डिवाइन कह रहे हैं क्लियर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्लियर अब तो क्लियर मैसेज आ गया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो पर पेशेंस रख के अपना काम कर सकते हो। रखिए पेशेंस, और इस पेशेंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यार फील होता है अपने पार्टनर की तरफ से, एंजल ऑफ लव आपको बताते हैं अपने आपके पार्टनर की बातें, वो क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, ये आपका हार्ट आपको बताता है, आपके हार्ट में एंजल ऑफ लव हैं, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है? पेशेंस रखिए गाइस, यूनिवर्स का कार्ड आ गया हमारे पास, स्ट्रेटजी कार्ड, ये यूनिवर्स कार्ड है नंबर 21। ये कार्ड यहाँ क्लियर बता रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, बट राइट नाउ यू आर डीलिंग, किसके साथ डील कर रहे हो? टावर मूवमेंट के साथ, तो इसे ख़त्म होने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एफर्ट्स लगा रहे हो और आपके साथ साथ यूनिवर्स भी आपके लिए काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? इसका मतलब है कुछ बेहतर, कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, आपको क्या देंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, अब तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं, ओके, न्यू मून तो आ ही रहा है ना, देखते हैं न्यू मून पर क्या ब्लेसिंग्स आती हैं आपके लिए, ये भी देखेंगे। फिलहाल तो गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं, इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, द वर्ल्ड, अपनी दुनिया में खोजते रहिए, क्या नया खोज सकते हैं, क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, क्या नई डायरेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ना आपका काम है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस की रिजल्ट का क्या आएगा, ठीक है? ब्लैक एंड वाइट यिंग एंड यांग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और जब यूनिवर्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली आपका रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। तो गाइज एक्शन लेना आपका काम है, बाकी रेस्ट आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो आपको खुद ही पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, और अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज ये डोर आपके लिए खुल चुका है, खुद को हील ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए राइट नाउ। एनी अदर इंफॉर्मेशन जो हमें पता करनी हो वो क्या हो सकती है, लेट्स सी। ओ माई गॉड, सेकेंड टाइम दिस कार्ड, सेकेंड टाइम गाइस, पेशेंस जब यूनिवर्स खुद कहते हैं ना रखने के लिए, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं अब ये दोबारे से रिपीट कर रही हूँ बात, पेशेंस तो रखना है, रख लो कोई बात नहीं, अगेन पेशेंस एंड प्लानिंग। देखो ना, मैं दूसरा डेक यूज कर रही हूँ, सबसे पहले पेशेंस का ही कार्ड आया था, उसके बाद स्ट्रेटजी का कार्ड आया था, तो प्लानिंग स्ट्रेटजी एक ही वर्ड, और देखो पेशेंस एंड प्लानिंग भी आ गया फिर से, मतलब सेम कार्ड ही आ रहे हैं आपके लिए, आपको पेशेंस रखिए, यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, और कुछ इतना बेहतर प्लान कर रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा आपको क्या मिलने वाला है, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट कीजिए गाइज, मैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, और मैं इतना मानती हूँ जब मैं अच्छा कर रही हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, बेहतर ही होगा, बेस्ट होगा, डिवाइन बेस्ट करेंगे मेरी लाइफ में, ऐसे ही आप भी सोचिए, ये लाइट ही भेजेंगे आपकी लाइफ में, ये रोशनी, आपकी विशेस पूरी होगी, आप जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर चाहे मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप तक पहुँचेगी, ठीक है?
टेंशन ना लें, बस इतना ही बोलूंगी मैं आपको। और ये जो इमोशनल लॉस में, उससे बाहर आने की कोशिश करो। हो सकता है ये इमोशनल लॉस ही आपको ना ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, ये डिस्ट्रप्शन लेकर आते हैं, ये इमोशनल लॉस। इमोशनल लेवल पर अभी आप स्ट्रांग नहीं हुए हो ठीक से, आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसीलिए शायद से ना ये चीज़ आपके साथ हो रही है, ये टावर, ये डिले आ रहा है। इसको ठीक करो गाइज, इसको ठीक करना आप ही के हाथ में है। बेस्ट करो अपना, अपनी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाइब्स हैं यहाँ पर। इमोशनल दिख रहे हो, स्कॉर्पियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं। अगर ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है अभी, तो आप काफ़ी इमोशनल हैं और आप इमोशनल लॉस में भी हैं, और आपको अपने पार्टनर की याद बहुत आ रही है आजकल। अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो इस चक्कर में। इन चीज़ों को बैलेंस करो, बिकॉज अगर प्रॉपर बैलेंस होगा तो प्रॉपर तरीके से काम करोगे, एंड देन आपका ये टावर कार्ड हटेगा यहाँ से और चीज़ें फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और आपका यूनियन भी पास आ जाएगा। फ्यूचर तो है गाइज, लेकिन एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे चलना पड़ेगा आपको और क्या आपके रास्ते में, क्या अड़चने, कांटे, ऑब्स्टिकल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो क्या चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर आ गई है। तो अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं और सही से अपने काम करते हैं, तो आपका यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।